इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आ रही है, करनाल के ट्रॉमा सेंटर की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो जाता है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मौत है, जिसने सीएम सिटी करनाल में आतंक मचाया हुआ था, जो बंदूक की नोक पर वारदातों को अंजाम देता था। उसने आम इंसान के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी फायरिंग की है। ये करनाल का नामी बदमाश, जिसे सभी मौत के नाम से जानते हैं, आज उसने पुलिस को भी चकमा दे दिया। आरोपी पर कई मुकदमों में केस दर्ज है। पवन उर्फ मौत करनाल के पखाना गांव का है। पुलिस सूचना के आधार पर पवन को पकड़ने जाती है, जहां मौत अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने के लिए कट्टा निकालता है। गोली उसकी बैक साइड के आर पार हो जाती है, जिसके बाद मौत से सीधा लेटा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद करनाल के ट्रॉमा सेंटर में मौत का इलाज चल रहा था। मौत बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम की खिड़की से फरार हो जाता है। और प्रशासन पवन के बाहर आने का इंतजार करता रहा। पुलिस की अलग अलग टीमें एक बार फिर से मौत को ढूंढने में जुट गई हैं। मौत पर चोरी फिरौती मर्डर जैसे कई मामलों में केस दर्ज है। आरोपी पवन बाथरूम की खिड़की से कूदकर फरार हो गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आरोपी की जल्दी से पकड़ हो सके।